स्पेशल है। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। शराब तस्करी मामले में एक युवक को सुनाई गई 10 साल की सजा और आर्थिक दंड के रूप में 1,00,000 रुपए। भागलपुर के नौगछिया के अंतर्गत 6 जून 2021 को शराब तस्करी मामले में एक युवक को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई और आर्थिक दंड के रूप में 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया। नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई। बताते चले कि नौगछिया पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि एक ग्रे रंग की कार रंगरा की ओर से आ रही है, जिसमें भारी मात्रा में शराब है। 0 माइल टोल प्लाजा के पास पुलिस ने जब इस गाड़ी को रोकना चाहा, तब गाड़ी और तीव्र गति में हो गई। शक के आधार पर उसे जबरन रोका गया और गाड़ी की जाँच की गयी तो उस गाड़ी में भारी मात्रा में विदेशी शराब पाया गया। करीब 162 लीटर से ऊपर विदेशी शराब थी। वहीं वाहन चालक वेल मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया था। वह व्यक्ति शराब का व्यापार करता था, जिसमें पुलिस ने जिस चालक को धर दबोचा था, उसकी आज कोर्ट में केस का निष्पादन हुआ। उत्पाद कोर्ट 2 के एडीजे जोन 12 सदरतचंद श्रीवास्तव ने आज इस केस का निष्पादन करते हुए वेल मुर्मू को 10 साल कारावास की सजा सुनाई और आर्थिक दंड के रूप में उसे 1,00,000 रुपए का जुर्माना देने की भी सजा सुनाई। नहीं देने पर 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी। यह बात उत्पाद कोर्ट 2 के APP एक्साइज भोला कुमार मंडल ने दी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट।